પ્રશ્ન 12 છે કુલ મિલકત દેવાનો ગુણોત્તર આપણે થિયરીમાં સમજી ગયા કુલ મિલકત દેવાના ગુણોત્તર એનું સૂત્ર હતું કુલ મિલકતો છેદમાં બિનચાલુ દેવા એટલે લાંબા ગાળાના દેવા તો સૌથી પહેલા આપણે કુલ મિલકત દેવાના ગુણોત્તરનું સૂત્ર લખીએ કુલ મિલકત દેવા ગુણોત્તર બરાબર कुल मिलकतो छेदमा देवा एटले बिन चालू देवा अथवा लांबा गाळाना देवा पण लखी शकाय। हवे कुल मिलकतो एटले आपणे समजूतीमां लखेलुं हतुं के कुल मिलकत एटले तो के बिन चालू मिलकत अने चालू मिलकत ए बन्नेनो सरवाळो करूं त्यारे मने कुल मिलकत मळे। हवे आपणी दाखलानी विगतनी अंदर आपणने प्रेफरेंस शेर मूड़ी इक्विटी शेर मूड़ी तो बन्ने विगत छे मूड़ी देवा बाजू आवे त्यार पछी अनामत वधारो ए पण मूड़ी देवा बाजू आवे बिन चालू जवाबदारी अने चालू जवाबदारी एटले के आपड़ा दाखलानी पांच विगत छे ए पांचे पांच विगत छे ई आपणने सेनी आपेली छे मूड़ी देवा बाजूनी आपेली छे। हवे आपणने पाकुं सरवैयुं छे आपणे बनाव्युं हतुं आपणने खबर छे के भाई जे कंई पण આપણી મૂડી દેવા છે એનો જે સરવાળો છે એ જ કુલ મિલકતો એટલે મિલકત લેણા બાજુ આવે તો સૌથી પહેલા આપણે આપણું મૂડી દેવા બાજુ આપણને મૂડી દેવા બાજુની બધી વિગત આપેલી છે તો કુલ મૂડી દેવા એટલે કે મૂડી દેવા બરાબર મિલકત લેણા કરી શકાય તો સૌથી પહેલા કુલ મૂડી દેવા શોધીએ તો સૌથી પહેલા આપણે શોધીએ કુલ મિલકતો તો કોષ્ટક બનાવીએ विगत रकम हवे प्रेफरेंस शेर मूड़ी तो आपणे सौथी पहला प्रेफरेंस शेर मूड़ी केटली छे प्रेफरेंस शेर मूड़ी 6 लाख इक्विटी शेर मूड़ी 10 लाख तो ए पण मूड़ी देवा बाजू ज आवे तो इक्विटी शेर मूड़ी केटली छे 10 लाख अनामत वधारो ए पण मूड़ी देवा बाजू ज आवे तो लखीए अनामत वधारो 2 लाख त्यार पछी बिन चालू जवाबदारी 4 लाख तो ए पण मूड़ी देवा बाजू ज आवे बिन चालू जवाबदारी 4 लाख त्यार पछी चालू जवाबदारी ए पण मूड़ी देवा बाजू ज आवे तो लखीए चालू जवाबदारी 4 लाख। हवे सरवाळो करीए एटले आपणने शुं मळशे कुल मूड़ी देवा बाजूनो सरवाळो मळशे केम के आपणे मूड़ी देवा बाजूनी बधी विगत आवी गई छे तो सरवाळो करीए 6 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख टोटल 26 लाख छे ए आपणने शुं मळी गयुं मूड़ी देवा बाजूनो सरवाळो एटले अहीं लखी शकाय के भाई आ शुं छे आपणा मूड़ी देवा। हवे आपणने खबर छे मूड़ी देवा बाजूनो सरवाळो अने कुल मिलकत बाजूनो सरवाळो एटले के मिलकत लेणा बाजूनो सरवाळो बे सरखो होय तो आपणे शुं करीशुं अहींया लखवुं पड़े कुल मूड़ी देवा बाजूनो सरवाळो बराबर कुल मिलकतो लखी शकाय एटले के मिलकत लेणानो सरवाळो तो 26 लाख मारा कुल मूड़ी देवा आवे छे तो हूँ एने शू कही सकूँ मारी कुल मिलकतो कही सकूँ तो कुल मिलकतो पण केटली थाय 26 लाख तो हूँ अहीं कुल मिलकतो छे त्यांश में केटला लखी सकूँ 26 लाख लखी सकूँ। हवे बिन चालू देवा अने लांबा गाळाना देवा तो ए तो आपणी पासे अहीं छे बिन चालू जवाबदारी एटले एने बिन चालू देवा कही शकाय तो केटली छे बिन चालू जवाबदारी 4 लाख तो आपणे भागाकारमां बिन चालू जवाबदारी अथवा बिन चालू देवा लखीए 4 लाख करिए भागाकार तो कुल मिलकत देवानो गुणोत्तर छे ए पण सद्धरताना गुणोत्तरमां ज आवे एटले एनो जे जवाब आवे एमां जेम करी अने आपणे शुं लखीए छीए 1 तो करिए भागाकार 26 लाख भाग्या 4 लाख 6.5 जेम करी अने 1। थैंक यू।